आज की जो मेरी रेसिपी है फ्रेंड, वो है बनाना फ्लेवर सूजी की बर्फी। तो फ्रेंड, सूजी की बर्फी के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो ये है। सूजी 1 कप, घी 2 स्पून, चीनी 1/2 कप, और इसे सजाने के लिए मैंने काजू लिए हैं 10 से 12 काजू, और नारियल के टुकड़े मैंने इस तरीके से इसे काट लिया है। तो मैं 1 गिलास दूध ले रही हूँ जो 300 ml है। फिर मैं 2 छोटी इलायची लूँगी और 1 केला लूँगी। अब मैं एक मिक्सर जार ली हूँ जिसमें मैं ये दूध डाल रही हूँ। मैं इसमें दूध और केला का मिक्सर तैयार कर लूँगी। अब मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। मैं घी डाल दी हूँ, अब इसे थोड़ा गर्म होने दूंगी। मैं इसमें सूजी डालूंगी, तो मैं सूजी डाल दी हूँ। अब इसे चलाते हुए रहना है, इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है ताकि सूजी अच्छे से भून जाए और सूजी लाल हो जाए। जब तक सूजी लाल ना हो जाए फ्रेंड, तब तक हमें चलाते हुए रहना है। सूजी पूरी तरीके से भुना गई है, ये ब्राउन हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें दूध और केला का जो मिक्सचर बनाई हूँ उसे अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेंड, क्योंकि दूध और केला का मैं बनाना फ्लेवर बर्फी बना रही हूँ, इसलिए मैं बनाना यूज की हूँ। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चीनी को बराबर मिक्स करना है, तो आप देख सकते हैं इसे इस तरीके से मिक्स करना है। इसे चलाते हुए रहना है, और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए फ्रेंड, तब तक इसे चलाते हुए रहना है। इसे सुखा लेना है। अब मैं इसमें नारियल के कटे हुए टुकड़े को मैं डाल दूंगी इसमें, और इसमें मैं इलायची, जो मैं इलायची ली थी उसके दाने मैं निकाल ली थी, उसे मैं अब इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ये सूख गया, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है। सीधे सीधे मैं इसे इस तरीके से काट लूंगी। पहले सीधा काटना है फ्रेंड, फिर हमें इसे तिरछा काटना है ताकि ये बर्फी के साइज के कटे। तो मैं इसे बर्फी जैसा काट ली हूँ, और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, बर्फी बनकर रेडी है। अब मैं इसे काजू से सजा दूंगी। आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से काजू से सजा दे रही हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड।